आज हम लोग नोटपैड के बारे में पढ़ेंगे. नोटपैड क्या है, व्हाट इज नोटपैड. नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम. अब हम लोग चलते हैं नोटपैड को स्टार्ट कैसे किया जाता है. स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट मेनू में जाएंगे. स्टार्ट मेनू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग नोटपैड सर्च करेंगे. NOTEPAD नोटपैड यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे. यहाँ पे नोटपैड का जो विंडोज है वो ओपन हो चुका है. इसको टाइटल बार कहते हैं. हम लोग अगर कोई फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पे टाइटल बार में शो होने लगता है. इसको मिनिमाइज बटन कहते हैं. मिनिमाइज बटन पे क्लिक करने से हमारा जो विंडोज है वो मिनिमाइज होकर टास्क बार में चला जाता है. इसको फिर से ओपन करने के लिए हम लोग टास्क बार में जाएंगे. यहाँ पे नोटपैड शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे. हमारा नोटपैड का जो विंडोज है वो फिर से एक्टिव हो गया. इसको मैक्सिमाइज बटन कहते हैं या फिर रीस्टोर बटन कहते हैं. इस पे क्लिक करने से हमारा जो विंडोज का साइज है वो बड़ा या छोटा हो सकता है. इसको क्लोज बटन कहते हैं. क्लोज बटन पे क्लिक करने से हमारा जो विंडोज है वो क्लोज हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा. अब हम लोग आगे चलते हैं. ये इसको मेनू बार कहते हैं. मेनू बार में हम लोग फाइल मेनू के बारे में पढ़ेंगे. फाइल मेनू का शॉर्टकट की Alt+F होता है. ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग टेक्स्ट एरिया कहते हैं. सब टेक्स्ट एरिया इसमें हम लोग कोई मैसेज को टेक्स्ट कर सकते हैं. सपोज मैंने टेक्स्ट किया माई नेम इज अंजलि कुमारी. अब हम लोग चाहते हैं कि ये फाइल को सेव करें. इसके लिए हम लोग फाइल में जाएंगे. फाइल में जाने के बाद हम लोग सेव पे जाएंगे. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग को किस लोकेशन में इस फाइल को सेव करना है. हम चाहते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप का लोकेशन चूज कर लिया. अब यहाँ पे फाइल का नेम, किस नाम से हम लोग को सेव करना है. हम चाहते हैं इसको अंजलि के नाम से सेव करें, तो यहाँ पे अंजलि नाम लिख दिया. अब यहाँ पे सेव कर देंगे. हमारा ये जो फाइल है अंजलि के नाम से सेव हो गया. यहाँ पे टाइटल बार में देख सकते हैं अंजलि शो हो रहा है. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, न्यू. न्यू का शॉर्टकट की Ctrl+N होता है. न्यू जो होता है कोई न्यू फाइल को ओपन कर देता है, जो पुराना वाला फाइल है उसको एग्जिट कर देता है. इस पर मैंने क्लिक कर दिया. यहाँ पे देख सकते हैं न्यू फाइल जो है ओपन हो चुका है. यहाँ पे अनटाइटल शो हो रहा है और जो इसके पहले का फाइल था वो एग्जिट हो गया. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, न्यू विंडोज. न्यू विंडोज किसको कहते हैं. न्यू विंडोज में कोई नया विंडोज ओपन हो जाता है. यहाँ पे देख सकते हैं न्यू विंडोज ओपन हो चुका है नोटपैड का. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ओपन. अभी मैंने अंजलि के नाम से फाइल को सेव किया था. अब हम लोग चाहते हैं कि वही फाइल फिर से आ जाए. इसके लिए मैं ओपन पे जाएंगे. यहाँ पे लोकेशन देख लेंगे कि किस लोकेशन में सेव किए थे. अगर लोकेशन चेंज आएगा तो नेम शो नहीं होगा. यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया था. डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे. यहाँ पे फाइल का नाम क्या था, यहाँ पे फाइल नेम लिख देंगे. फाइल का नेम लिख देंगे अंजलि. ओपन कर देंगे. यहाँ पे फाइल जो है खुल चुका है अंजलि वाला. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेव एस किसको कहते हैं. अभी मैंने यहाँ पे अंजलि के नाम से फाइल को सेव किया. अब हम चाहते हैं कि यही फाइल कोई और नाम से सेव हो, कोई और लोकेशन में सेव हो. इसके लिए हम लोग सेव एस का यूज करते हैं. यहाँ पे हम लोग सेव एस में जाएंगे. यहाँ से कोई भी लोकेशन को ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लिया. यहाँ पे फाइल का नेम, किस नाम से हम लोग सेव करना चाहते हैं. यहाँ पे ईसा का नाम ले दिया. सेव कर देंगे. यहाँ पे
सेव है तो इसके लिए हम लोग यस कर देंगे। यहाँ पे ईसा का नाम सेव हो गया। अब यही जो फाइल है ईसा में भी रहेगा और अंजलि में भी, दोनों में रहेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रिंट सेटअप। प्रिंट करने से पहले हम लोग पेज का सेटअप कर देते हैं ताकि प्रिंट जो पेज है वो सही से प्रिंट हो। यहाँ पे लेटर का साइज क्या रखना है तो यहाँ पे A4 कर देते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। ओरिएंटेशन सेट करना है, इसको पोर्ट्रेट में रखना है या फिर लैंडस्केप में रखना है, हॉरिजेंटल रखना है या फिर वर्टिकल। इसका मार्जिन कितना छोड़ना है, लेफ्ट साइड में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, ऊपर टॉप में और नीचे बॉटम में कितना साइड में चौथाई इसका छोड़ना है। हेडर, पेज का जो ऊपरी भाग है उसको हेडर करते हैं और नीचे वाले भाग को फुटर करते हैं। यहाँ पे ओके कर देंगे तो हमारा पेज जो है सेटअप हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं न्यू ऑप्शन पे। न्यू ऑप्शन क्या है? प्रिंट। हम चाहते हैं ये पेज को प्रिंट करना तो इसके लिए हम लोग प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे प्रिंट का शॉर्टकट की Ctrl+P होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज, हम लोग को कितना नंबर मतलब कॉपीज कितना पेज करना है यहाँ पे वो शो कर रहा है। यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, हमारा पेज जो है प्रिंट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एग्जिट। एग्जिट से हमारा विंडोज जो है क्लोज हो जाता है। यहाँ पे क्लोज जो बटन है इससे भी हम लोग विंडोज को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जिट से भी क्लोज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।